हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन सिर्फ 3 फंदों की है, बहुत ही इजी है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 3 के मल्टीपल फंदे रखने हैं, कोई भी फंदा आपको एक्स्ट्रा नहीं रखना है। आगे की साइड से ये डिज़ाइन हमारी स्टार्ट होगी, तो चलिए हम बनाते हैं। हमने एक डबल सिलाई में धागे डाला है। यहाँ पे देखिए हम डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो है। सभी फंदे को हम आगे की साइड से देखिए सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो, एक एक करते हुए सभी फंदे को हमने यहाँ पे सीधा बना लेना है। आगे की साइड से सीधा सीधा और पीछे की साइड से एक सिलाई उल्टा उल्टा बना के फिर हम डिज़ाइन अपना आगे की साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 सिलाई का डिज़ाइन बनाने में गैप देंगे, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा। ये देखिए हमारी पहली रो कंप्लीट हुई आगे की साइड से। पीछे की साइड से सेकंड रो सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए एक एक करते हुए सभी फंदे को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए देखिए हम बना के आगे की साइड आ गए हैं, सभी फंदे को उल्टा उल्टा पीछे की साइड से। अब देखिए डिज़ाइन की हमारी ये तीसरी रो है आगे की साइड से, मतलब तीसरी सिलाई है आगे की साइड। पहले फंदे को आपको ऐसे ही स्लिप करना है, ठीक। एज स्टिच के फंदे को हमने स्लिप किया, धागे को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागे को हम पीछे ले जाएंगे और इन दोनों फंदों के बीच से देखिए ऐसे दोनों फंदों के बीच से हमने एक फंदा ऐसे निकालना है, ठीक। एक लूप निकालेंगे, उसके बाद सिलाई के ऊपर एक बार ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर इन दोनों फंदे का एक कर देंगे बैक लूप से ऐसे। तो यही 3 फंदे जो हैं हमने ये रिपीट करना है। फिर से धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, 2 फंदों के बीच से एक लूप निकालेंगे ऐसे। उसके बाद धागे को लपेटेंगे सिलाई के ऊपर एक बार और यहाँ पे 2 फंदे का एक करेंगे बैक लूप ऐसे। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ये। फिर से धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे, 2 फंदों के बीच से हमने एक ऐसे लूप निकालना है। ये देखिए लूप थोड़ा सा आपको लंबा रखना है। एक बार सिलाई के ऊपर ऐसे लपेटेंगे धागे को और 2 फंदे का एक कर देंगे ऐसे। तो आप लोग को दिख रहा होगा एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको हम बाद में नेक्स्ट सिलाई में ये हमारा फंदा एडजस्ट हो जाएगा। एक फंदा उल्टा बनाया, फिर से धागे को हम पीछे करेंगे, इन दोनों फंदों के बीच से एक फंदा निकालेंगे। फिर देखिए हमने सिलाई के ऊपर एक बार लपेटना है, धागा आपको ऐसे लपेटना है ताकि ये हमारा पीछे की साइड जाए, ठीक। अब यहाँ पे 2 फंदे का एक कर देंगे, धागे को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले गए, इन दोनों फंदों के बीच से एक लूप, एक बार लपेटेंगे सिलाई के ऊपर से और यहाँ पे 2 फंदे का एक कर देंगे, धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे, 2 फंदों के बीच से लूप, फिर सिलाई के ऊपर लपेटेंगे 2 फंदे का एक, फिर से धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, एज स्टिच के फंदे को सीधा बनाएंगे।
अब देखिए ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई थी जो कि कंप्लीट हुई। आप लोग को ध्यान से दिख रहा होगा, एक फंदे हमने स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाया था। इस साइड भी लास्ट में एक फंदा उल्टा आया और एज स्टिच के फंदे को हमने। अब आ गए हैं बैक साइड। पहले फंदे को तो हमने स्लिप करना है, पीछे की साइड से थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा। डिज़ाइन की चौथी रो है तो आप लोग जब बुनाई करेंगे तो आप लोग को दिखेगा उल्टा और सीधा। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ये फंदा हमारा सीधा आया है, तो धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदे को यहाँ पे सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी साइड लाएंगे, यहाँ पे एक फंदे देखिए हमारे उल्टा है तो उसको उल्टा ठीक। फिर हमने जो लूप निकाला था ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, अब देखिए एक फंदे सीधे के बाद दो फंदे हमने यहाँ पे उल्टा बनाना है ठीक। एक फंदा हमने स्लिप किया, ध्यान दीजिए आप लोग, एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा हम ऐसा स्लिप कर लेंगे ठीक। जो उस साइड से हमने लूप निकाला था उसको हमने स्लिप करना, धागे को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा आ रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। पीछे की साइड से जो फंदे हमने आगे की साइड से देखिए जो हमने उल्टा बनाया था उसको पीछे की साइड से सीधा बनाना है। फिर से यहाँ पे दो फंदे उल्टे, एक दो, अब ये लूप वाला जो फंदा है इसको हमने ऐसे बुन लेना है, अरे स्लिप कर लेना, आगे को पीछे एक फंदा सीधा, जिसे धागे को अपनी साइड दो फंदा उल्टा, एक दो, वैसे स्लिप करें, धागे को पीछे की साइड एक फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड दो फंदा उल्टा, एक दो, एक फंदा हमने ऐसे स्लिप किया, धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड दो फंदा उल्टा, एक दो, धागे को पीछे, अरे सॉरी एक फंदा स्लिप किया, धागे को पीछे एक फंदा सीधा, फिर से धागे को अपनी साइड दो फंदा उल्टा, एक दो, एक फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागे को पीछे एक फंदा सीधा, एज स्टिच के फंदे को उल्टा बना लिया धागे को अपनी साइड। आप लोग को दिख रहा होगा ये डिज़ाइन कुछ इनसे। अब देखिए क्या करना है आपको, पहले फंदे को स्लिप करना है ठीक, धागे को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, ये फंदा जो हमने उतारा हुआ था इसको हमने ऐसे उतार लेना है, इस साइड भी हमने उतार लेना है, फिर दो फंदे को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, एक दो, दो फंदे को उल्टा बनाया, जो उतारा हुआ फंदा था इस फंदे को इन दोनों फंदे के ऊपर से ऐसे हमने उतार दिया, धागे को अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे ठीक, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, दो फंदा सीधा बनाने के बाद जो उतारा हुआ फंदा है इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे इसको गिरा देंगे, फिर से धागे को अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे इस फंदे को ऐसे स्लिप किया, दो फंदे सीधे बना लेंगे, अब इसको ऐसे इन दोनों फंदों के ऊपर से गिरा देंगे, धागे को अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे एक फंदा उतारेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो, धागे को अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे बनाएंगे, एक दो, फिर इसको जो उतारा हुआ फंदा इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है, धागे को अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, इसको ऐसे स्लिप करेंगे ठीक, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, धागे को
इन दोनों फंदों को ऊपर से गिरा देंगे। धागे को अपनी साइड, यहाँ पे एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बनाना, धागे को पीछे एज स्टिच के फंदे को सीधा बनाना। तो देखिए ऐसे हमारे डिज़ाइन ये बन के आ रही है। पीछे की साइड से हमें सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाना है। तो चलिए उल्टा उल्टा बना के फिर आप लोग को देखिए, ये पीछे की साइड से हमने सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के आगे की साइड आ। अब फिर से आपको यही डिज़ाइन बार बार रिपीट करनी है। अब आगे की साइड से सभी फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे, पीछे की साइड से उल्टा उल्टा, फिर आगे की साइड आएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर वही डिज़ाइन आपको लूप निकालते हुए बार बार रिपीट करनी है। अब फिर से आपको फर्स्ट रो वाली डिज़ाइन रिपीट करनी है। आप यहाँ पे दो सिलाइयों की गैप रखेंगे, एक सिलाई सीधे की साइड से सीधा सीधा, एक सिलाई उल्टे की साइड से उल्टा उल्टा, फिर हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो आज की डिज़ाइन आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।